हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ये देखिए गाइस, आज है हर्षवर्धन का बर्थडे और हमारे साथ हो गया पोपट। हम रेडी भी हो गए, लेकिन बाहर देखो कितना मौसम ख़राब हो गया है, कितनी तेज़ बारिश आ रही है और देखो जा भी नहीं सकते हम कहीं बाहर। आप घर पे ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा हमें बर्थडे, तो देखते हैं अब हम क्या करते हैं। गाइस, हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर ही बनाएंगे सबके साथ घर पर ही। ये कुछ ऐसी डेकोरेशन कर ली हमने घर पे, यहाँ पे करेंगे केक कटिंग। रुको, हमने केक खोल लिया है और कुछ ऐसे डिज़ाइन का, ये यहाँ मेल्ट होके गिर भी गया और ये डेकोरेशन हमने ऐसी कर रखी है घर पे ही। अरेंजमेंट कर लिया अब हमने हर्षवर्धन के बर्थडे का। ट्रे ले आती हूँ मैं। गाइस, हमने केक को बाहर निकाल लिया है और फैमिली मेंबर्स भी सब आ गए हैं और अब हम कैंडल लाइट अप कर रहे हैं। ये देखिए, हर्षवर्धन भी फुल फॉर्म में खड़ा हो गया है केक कटिंग के लिए। यहाँ पे मैंने कैंडल जला दी है। मम्मी गर्दन तो छोड़ो का ना की टूट जाएगी बेचारी गर्दन। लालच आ रहा है इसको चॉकलेट का। माँ जी को भी खिला दो सारा केक। अब दादू को खिलाओ। दादू को खिला दो। ओ भाई चटा चट लग रहा है। दादू को खिलाओ। वेट वेट वेट, लो चलो हंस लो हंस लो। हैप्पी टू यू है ना, कहाँ नेगा चैनल।
कोई बात नहीं। हट ले कान्हा, आंखें सही कर ले, क्या कर रखा है। नीचे उतरो, हर्षवर्धन ये क्या बदतमीजी है। कैंडल को खाने की चीज है, देखो हाथ में खाए। हर्षवर्धन ने खा लिया, चॉकलेट ले लो हर्षवर्धन। केक कैसा है? केक कैसा है रेयान? कैसा? गाइज ये देखो बाहर कितनी ज्यादा बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है, और हमने खाने का ऑर्डर कर दिया लेकिन वेट कर रहे अभी तक आया नहीं है। बच्चे भी बोल रहे कब तक खाना आएगा। ये देखो गाइज कोई आ गया है हमारे घर के बाहर, लाइट जली है तो देखते हैं, शायद हमारा ऑर्डर ही आया होगा खाने का। चलो चलते हैं, देखते हैं। ये देखो गाइज मैं ऑर्डर लेने के लिए नीचे आ गई हूँ और बारिश हो रही है, और मैं बोल रही हूँ कि मैं भैया मैं पहले अम्ब्रेला ले आती, नहीं तो सारा खाना गीला हो जाएगा। लेकिन वो भैया अंदर ही लेके आ गए। ये देखो वो भी खुद सारे गीले हो गए, बोले पोलोथीन में मैडम कुछ नहीं गीला होगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप ले आए, तो मैंने इनको थैंक यू भी बोल दिया। और इनको मैं देखो ऊपर ले आई, यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे कि कब तक खाना आएगा। मैं खाना लेके ऊपर आ गई हूँ, अब देखते हमने क्या क्या ऑर्डर करा था, क्या क्या आया है। पहले मैं प्लेट्स वगैरह ले आती हूँ, कटोरी ले आती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि बाहर का खाना है ना, तो घर का होता तो बच्चे नहीं खाते लेकिन बाहर का बहुत जल्दी खाना खाते हैं। हमने दाल मखनी मंगाई है और पनीर बटर मसाला मंगवाया है, और ये ग्रेवी चाप मंगवाई है, सिरके वाली प्याज है, और ये ग्रीन वाली चटनी है, और स्टफ नान है, और ना प्लेन रोटी है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मंगवाई है, उन्होंने स्पूंस भी दे दिए। तो अभी हम बच्चों के लिए यहाँ पे सर्व कर देते हैं, सबसे पहले बच्चे ही खाएंगे। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि कप जल्दी से डल जाएगा और जल्दी से हम इसको फिनिश करेंगे। गाइज हर्षवर्धन के बर्थडे पे ऐसे ही पोपट हो गया, नहीं तो हम बाहर होटल में जाने वाले थे, लेकिन क्या करें बारिश इतनी ज़्यादा आ गई तो हमें घर पे ही सब कुछ अरेंज करना पड़ा, घर पे ही ऑर्डर करना पड़ा। तो गाइज ये देखो हमने यहाँ पे खाना डाल लिया है, और बच्चे ये हर्षवर्धन को गिफ्ट में कार मिली है, हर्षवर्धन ने अपना गिफ्ट खोल भी लिया और अपनी कार चलाने भी लगा। फिर गए लास्ट में मैंने खाना खाया तो मुझे भी अच्छा लगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।